अरे ये जी अलसी लगी हुई है, अलसी शायद आपको पता होगा, जो हम बालों में भी लगा सकते हैं, अपनी स्किन के लिए भी वो बहुत अच्छी होती है। और माशाल्लाह ये देखें, ये सारे अलसी के पौधे हैं, ये माशाल्लाह अभी इसके साथ ये चीज़ लगी हुई है, डोटे वगैरह लगे हुए हैं, ये वाले फ्लावर्स हैं, ये इसके बीच में होगी, जब ये पक जाएगी ना फिर इस तरह की इसकी शक्ल आएगी। ये एलोवेरा थोड़ा सा लगाया हुआ है इन्होंने, ये प्याज है शायद, और ये लहसुन है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम आए हुए थे गुजरात, और गुजरात हमारा आज सेकेंड डे था। रात को तकरीबन 9:30 बजे पहुँचे थे, और सुबह का नाश्ता करके इनकी मामा की भांजी के घर से हम लोग निकल आए थे, और बस हम लोग इनकी खाला के घर तकरीबन आधा पौना घंटा ठहरे, वहाँ पे चाय वगैरह पी, फिर उनकी दूसरी मामी के घर चले गए, मामू के जो मामा की माँ मामू थे उनके घर चले गए, उधर चाय वगैरह पी। और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसरार कर रहे थे कि आप लोग खाना खा के जाएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम लेट हो जाएंगे। बार बार मामा की जो बहन थी उनकी कॉल आ रही थी कि नहीं आप हमारी तरफ आए, हमने खाना बनाया हुआ है ये वो, तो आप ये ना लेट हो जाएं और वहीं से आप वापस चले जाएं, क्योंकि हमने शाम को वापस जो है ना पिंडी के लिए निकलना था। तो माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था गांव का, और मैं तकरीबन 10 साल के बाद आई थी, और बड़ा अच्छा लग रहा था, खुला खुला सा ना, और ठंडा ठंडा मौसम था, और बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उन्होंने भी घर नया बनाया हुआ था, और हम लोग तकरीबन मैं तो काफ़ी अरसे के बाद आई थी, मेरे हस्बैंड आते रहते थे बीच में, कोई फंक्शन शादी वगैरह उनकी बेटियों की वगैरह की शादी हुई, बेटे की सबकी, तो हम वो लोग आते रहते थे, मैं नहीं आई थी क्योंकि बच्चे छोटे थे और बच्चे होते थे तंग, तो फिर मैं नहीं आ सकती थी, तो फिर मैं रुक जाती थी और बाकी ये सब आ जाते थे। तो हम लोग आ गए थे, पहुँच गए थे माशाल्लाह से उनके घर, वो लोग भी वेट कर रहे थे, और आगे मुझे भी बड़ी अच्छी खुशबू हुई, इन्होंने लगाया ऐसा लगता है मामा ने लगाया। हां बस उनके घर हम लोग मिल मिला के थोड़ी देर बैठे, 5-10 मिनट, फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, चाय के साथ उन्होंने काफ़ी कुछ रख लिया, क्योंकि 3-4 घरों से हम चाय नाश्ता करके तो हम निकले हुए थे, तो काफ़ी हैवी हो गया था, तो हमने कहा चलो हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं, फिर हमने सोचा हम उनके डेरे तक चले जाते हैं। तो डेरा काफ़ी तकरीबन 20 से 25 मिनट की वॉक पे था, तो बस हम लोगों ने वॉक की, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, ये बोर्ड का दरख्त है, जब हम लोग डेरे पे पहुंचे ही हैं तो बस भैया ये क्या चीज है? ये कुआं है ना। अच्छा, कुएं से ट्यूबवेल ऑन करके लगाते हैं। ये थोड़ा मजबूरी होती है ना कि वो उसको ऐसे चलाना पड़ता है। आगे नहीं जाना, बोर हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, वो इनका लहसुन लगा हुआ है, ये वाला, ये सारा लहसुन है जी। हाँ,
जी। और ये क्या चीज है? ये वैसे ही अभी बीजी नहीं है कोई, ये पट्ठे वगैरह होंगे भैंसों के लिए। इसका ये है ना कि वो देखो वो कटा वो पूरा है ना, ये काटा हुआ है। जब तक वो काटेंगे ना पीछे फिर निकल आएगा। सही सही, दो तीन दफा ये काट लेते हैं। सही, आस्ता आगे आगे काटते जाते हैं, पीछे पीछे फिर रुकता जाता है। वो देखो दूध दे आओ, ओए वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो मिनसा इधर, मिनसा रुई इधर, और लात मारेगी जोई तेरा। बहुत एंजॉय किया, बारिश बहुत तेज शुरू हुई, तो माशाल्लाह सर्दियों में उनकी हर चीज यहाँ पे होती है, यानी कि गन्ने होते हैं इनकी, गाजरें अपनी होती हैं, मूलियाँ होती हैं, शलजम होते हैं, उसके बाद साग होता है, सरसों का, पालक होती है, धनिया, पुदीना, यानी हर चीज़ होती है माशाल्लाह से। हम पहले जब आते थे तो ये काफ़ी कुछ दे के भेजते होते थे, तो इस दफ़ा ज़ाहिर है इस मौसम में आए थे तो उन्होंने हमें दूध तकरीबन हमें दूध दिया, और उन्होंने कहा कि आप ये ले जाएं, और ख़ालस आपको पता है भैंस का दूध था और बहुत ही मज़े का था, सही थिक वाला। तो बस हम लोग तकरीबन घर पहुंचे और घर हमने थोड़ा थोड़ा बस खाना खाया बस, तो क्योंकि शाम रात हो रही थी तो वहाँ से आपको पता है थोड़ा सुनसान सा इलाका है, तो हम लोग को वापसी पे ज़रा मुश्किल होता है, तो हमने कहा चलो रोशनी रोशनी में हम लोग निकल आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने उधर देखा ही नहीं है, मैं नीचे देख रही हूँ गिरी ना जाऊँ, क्योंकि वो रास्ता इस तरह का है ना तंग तंग। आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, स्पेशल आपको पंजाब की लुक दिखाई है इस व्लॉग में, और मिलते हैं कल के व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।